हाई स्टूडेंट्स वेलकम वंस मोर नाउ हेयर आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ़ द पोए फर्स्ट क्वेश्चन इज वट आर द थिंग्स द विंड एंड द फर्स्ट एंडा एंड द फर्स्ट एंडा द वि ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज स्कैटर्स द पेपर्स जो विंड है वो फर्स्ट एजा में क्या पॉइंट ने डिपिक्ट किया है कि क्या क्या काम करती है वो शटर्स जो है विंडोज के उनको ब्रेक करती है पेपर्स को स्कैटर करती है थ्रोज डाउन द बुक फ्रॉम द शेल्फ और टीयर्स पेजेस ऑफ द बुक्स एंड ब्रिंग्स शावर्स ऑफ रेन सो स्टूडेंट्स वी विल डिस्क्राइब दीज थिंग्स इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम्स सो लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक वट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड विंड से मित्रता करने के लिए हमें क्या करना चाहिए टू मेक फ्रेंड्स विद विंड वी नीड टू बिल्ड स्ट्रोंग होम्स बनाने चाहिए जिनके डोर फॉर्म हो। वी शुड ऑल्सो मेक आरसेल्स फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रोंग हमें अपने आप को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्ट्रोंग बनाना चाहिए एंड हमारी बॉडी और जो हार्ट्स हैं वो भी फर्म होने चाहिए मजबूत होने चाहिए हमें इजीली किसी भी टाइम कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे घबराना नहीं चाहिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू द लास्ट फोर लाइंस ऑफ द पोएम मीन टू यू हमें कैसे विंड विंड का का सामना करना चाहिए symbolizes the hardships of our lives. किसका प्रतीक है जीवन में आने वाली मुसीबतों कि उसे courageously, साहसी तरीके से बिना डरे सामना करना चाहिए दैट द कमजोर चीजों को ही बुझा सकती है हरा सकती है इट इंटेंसिफाइज द स्ट्रोंगर वंस जो भी स्ट्रॉन्ग चीज है वो और निखर के आती है मुसीबतों के बाद हम ज्यादा अच्छे से चीजों को सामना करने के काबिल हो जाते हैं कहते हैं ना कि जैसे सोना होता है वो आग में तपकर ही कुंदन बनता है सिमिलरली एडवर्सिटीज डेटर द वीक हार्टेड बट मेक स्ट्रोंगर दोज हु विल जिनके अंदर कभी ना हारने वाली कभी ना खत्म होने वाली अदम्य शक्ति होती है उसका और ज्यादा अच्छे से विकास करती है जो मुसीबतें होती है इन सच अस बी फ्रेंडिंग दिन और हार्डशिप्स ऑफ लाइफ मेक्स इट इजियर फॉर आस टू फेस दैम तो हमें इसे मित्र बनाना चाहिए और एक अच्छे तरीके से जो मुसीबतें हैं उनका सामना करना चाहिए सो डियर स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग